तो ये 168 से सर 0.7 ऊपर ही आ रहा था, फिलहाल तो इसको लगा के उसे हटाने के बाद कितना कम होगा तो चेक नहीं किया सर। अपनी जो नापी है वो कितनी निकली है तुम्हारी, पहले भी तो नापी थी 67.5, वही वही 5 बढ़ाने के चक्कर में खुद से आया। कितना पढ़े लिखे हो? बीटेक और टेक्नोलॉजी लगा चलो दिखाओ ना, ऐसे बालों में फंसा आ गया ना, तभी तभी तो वो उठा दिखाओ क्या नाम है तुम्हारा? अंकित कुमार। अंकित कुमार कहाँ के हो? बुलंदशहर। रिजर्वेशन में हो क्या वैसे? जनरल ओबीसी में हो। अंकित कैसा आइडिया आया सब दे दिए? ये आइडिया कहाँ के हो? बीवी नगर सत्य नगर। बीवी नगर के हो? जतन सुबह आइडिया कैसा आया था यहाँ हाइट बढ़ाने का? और है कितने तुम्हारे? 100 है। कहाँ लगवाई थी? ऊपर से मेरी दिखने नहीं थी, उसने बंद सुखाई गई सूख गई होगी। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित कुमार। अंकित, ये तुमने बॉलों पे क्यों लगाया है और कैसे पकड़ा गया, पूरी बात? सर 0.5 है हाइट के लिए। जोर से बोलो थोड़ा सा। 5 mm हाइट कम थी थोड़ा, 5 mm थोड़ी हाइट कम थी, इसलिए मैंने सोचा था ये मेहंदी लगाने। 5 mm हाइट कम थी तो क्या किया सर, पूरी बात बताओ कैसे पकड़ा गया? मेहंदी लगा दी थी सर ये बालों में। आज आप यहाँ मेरठ में क्यों आए हैं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सर। अच्छा, तो मेहंदी का आइडिया कैसे आया, क्यों लगाई आपने मेहंदी? ये खुद से ये मतलब सोचा कि थोड़ा सा हाइट बढ़ जाएगी इसलिए। किस चीज़ की भर्ती में आते हो सर? UPSI। लो सर ले लो भैया। भैया भैया सर भैया ये भैया जी बोल गया के नीचे लपके। हाँ इतना होने के बाद सिर्फ पार कर जाए और थोड़ा टाइट करो। ये मान लो इसकी मतलब भर्ती को फेमस कर दिया। हाथ लगा दी जाए देख लो एक बार। पकड़ा गया है क्या, पूरी स्टोरी है इसकी और किस तरीके? ये क्यों आया था और कैसे पकड़ा गया? ये जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है सीधी भर्ती, उसका यहाँ पे PST और DV चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण जो चल रही है। इसी दौरान ये लड़का आया, इसकी हाइट कुछ कम थी तो इसने अपने बालों में अंदर से मेहंदी लगा के और बालों को ऊपर से रख के और फिर हाइट जब नापने के लिए आया तो चूँकि इलेक्ट्रॉनिक है मेजरमेंट का जो तरीका है तो उसमें कुछ शक हुआ कि कुछ ऐसी चीज़ है जिससे इसकी प्लेट ऊपर को जा रही है। तो जिसको दिखवाया फिर अच्छे से चेक किया तो पता लगा कि ये मेहंदी लगा के आया है। इसने अपने बालों के बीच में मेहंदी छुपाई जिससे इसकी हाइट करीब 0.7 सेंटीमीटर बढ़ गई और जबकि इसकी जो एक्चुअल हाइट है वो 167.5 है। अभी इससे पूछताछ हो रही है और अभी इसका फाइनल फिर से परीक्षण कराया जाएगा कि इसकी एक्चुअल में हाइट है कितनी और उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ ऐसे भी लड़के आए हैं जिनके थंब इम्प्रेशन और जो उनके चेहरे हैं वो पैन कार्ड से मिलान नहीं हो रहा? ज़्यादातर लोग कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो रहा लेकिन फ़ोटो मैच हो रही है। एग्ज़ाम के टाइम में जो उनकी फ़ोटो ली गई थी वो मैच हो रही है लेकिन आज की डेट में उनका बायोमेट्रिक मिलान नहीं हुआ। तो ऐसे सभी मामले जो हैं जो बोर्ड को भेजे गए हैं उस पर अंतिम निर्णय बोर्ड के द्वारा लिया है। क्या है सर ऐसे मामले?
कभी देखिए दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब इन्विजिलेटर उनका बायोमेट्रिक लेता है क्लासरूम में तो उस वक्त उंगली उनकी सीधी रखी है, अंगूठा सीधा रखा है या कुछ तिरछा हो गया, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी किसी को चोट लग गई या कहीं रब हो गया, तो उस तरह से मिसमैच की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार के दो मामले हैं जो प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं, उनको बोर्ड को संदर्भित किया गया है, भेजा गया है, उस पर अग्रिम कार्रवाई वहाँ से की जाएगी।